नमस्कार साथियों, पुनः आज एक नया इशू लेकर आपके सामने हम आए हुए हैं। और जो इशू आज लेके आए हुए हैं, यह इशू 5-6 दिन पुराना से, मतलब बहुत पहले से चल रहा है, 10 दिन से चल रहा है। और 10 दिन से जो चल रहा है, क्या समस्याएं चल रही हैं, हम उसी में बात करना जरूरी समझे, इसलिए हमने सोचा कि हम आपसे जरूर शेयर करें इसके बारे में। कोरोना के बाद तेजी से बढ़ रहा है म्यूकोर माइकोसिस का खतरा, ये क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे आपसे। और इसमें क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें नहीं चल रही है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बात हम करेंगे। हम बताना आपको चाहते हैं कि इस समय जो कोरोना आया हुआ है, इसमें इस कोरोना में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नई चीजें देखने को मिल रही है। नई चीजें देखने का मतलब यह है कि आजकल के डेट में सुनने को मिल रहा है कि लोगों को श्वसन संबंधित ज्यादा समस्याएं हो रही हैं, और जो रिजल्ट हार्ट से संबंधित है या लंग्स संबंधित जो भी बातें हैं, समस्याएं लोगों को हो जा रही हैं और जल्दी डेथ कर जा रहा है आदमी। तो इससे संबंधित हम बात करने के लिए कुछ बातों को हम बताना चाहते हैं। आज आपको भी समझना है कि पोस्ट कोविड क्या क्या, पोस्ट कोविड में क्या क्या करना चाहिए। पोस्ट कोविड का मतलब यह है कि आपको यह देखना चाहिए कि आज के समय जो कोरोना से प्रभावित जो भी लोग हैं या कोरोना से पीड़ित जो लोग हैं, हम आपको बता दें कि 85% तक इस समय लोग कोरोना से ग्रसित होकर के ठीक हो गए हैं। और ठीक होने की बात यह है कि आज के समय में जो कोरोना ठीक होने का जो दर है, 8-9 दिन में ही ठीक हो जा रहा है आदमी। कहने का मतलब यह है कि पहले कोरोना को रिकवर होने में या आदमी को स्वस्थ होने में कम से कम 14-15 दिन लगते थे, आज के समय में 8-9 दिन में लोग ठीक हो जा रहे हैं। आप ये ना सोचे कि हम 8-9 दिन में ठीक हो जा रहे हैं तो आप खुद स्वस्थ। और इसमें कहा जा रहा है कि आदमी को जब 3-4 दिन में ठीक हो जा रहा है, तो हमें 3-4 दिन कह रहे हैं, 8-9 दिन में ठीक हो रहा है, तो हमें कहना चाहते हैं इसमें कि आप अभी बचे, क्या दिक्कतें क्या हो रही हैं। इसमें एक नई चीज का एक नई बीमारी निकल के आ रहा है, कोरोना ठीक होने के बाद कोरोना ठीक होने वाले जितने मरीज हैं, मैक्सिमम उनमें पाया गया है कि एक गंभीर बीमारी के रूप में आया हुआ है। हम कह सकते हैं कोविड के बाद काला फंगस या ब्लैक फंगस नाम दिया जा रहा है। और इस बीमारी का मुख्य स्थान है नाक, कान और गला, इसमें यह इन्फेक्टेड कर रहा है। हमें कह सकते हैं कि इससे संबंधित लगभग जो ग्रसित लोग हैं, लगभग इसमें मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 50% के आसपास है। तो हमें कह सकते हैं कि यह भी बीमारी एक प्रकार की गंभीर है। और यह बीमारी कोरोना ठीक होने के बाद जो भी लोग ठीक हो रहे हैं, उनके पास इन्फेक्शन की ये बात निकल के आ रही है। आपको मैं बता दूं कि यह मुख्यतः नाकों के माध्यम से होकर के हमारे लंग्स को ग्रसित कर रहा है। हम आपको बता दें कि नाक पर जो हम क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन मास्क जो लगाते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाते लगाते यहाँ का जो नाक के बगल में जो भी स्किन होता है वह शिथिल हो जा रहा है, कमजोर हो जा रहा है। इसी के माध्यम से यहाँ पर यह इंटर कर रहा है हमारे शरीर में, हमें कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि रहता है हवा में जो भी ब्लैक फंगस, जो क्या फंगस है वो रहता है हवा में। हमें कह सकते हैं कि इलाज से कोरोना ठीक हो जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है। आपको बता देना चाहते कि कोरोना एक प्रकार का बीमारी है, एक अलग प्रकार का, और इसको ठीक होने के लिए हमको रेमडेसिविर और फेवीपीविर नामक हम हार्ड डोज दे रहे हैं, जो हमें कह सकते हैं स्टेरॉइड करके है। और हम जब दे रहे हैं रेमडेसिविर और फेवीपीविर, जब नाम इंजेक्शन दे रहे हैं तो हार्ड डोजेज है यह, और हार्ड डोजेज है जो हमारे शरीर को जब दिया जा रहा है, तो इसको हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम जो भी है या जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वह इस इंजेक्शन के लेते ही वह उस पर काम कर रहा है। और हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है या हम कह सकते प्रतिरक्षा तंत्र है, वो कमजोर पड़ जा रहा है। और हवा में जो ब्लैक फंगस है वह अपना अटैक बना ले रहा है, या हम कह सकते हैं कि उसका अपना प्रभाव पड़ जा रहा है, जिसके कारण हमें कह सकते हैं कि दर्द की समस्या, सर में दर्द हो जा रहा है, नाक में काले काले परत पड़ जा रहे हैं,
फेफड़े में दर्द, हमें कह सकते हैं स्थायी समस्याएं हो रही है। आपको मैं बता दूं कि दिक्कतें यही हो रही है कि हम नाक के माध्यम से अंदर जा रहा है, फेफड़ों में दिक्कत कर रहा है और ऑटोमेटिक आदमी को बहुत ज्यादा समस्या हो जा रही है। आपको बता दें कि यह किन प्रकार के लोगों को सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है, तो हम आपको बता दें शुगर वाले लोगों को, किडनी से संबंधित जिसको बीमारी है, कैंसर से संबंधित बीमारी जिनको है, जिनको हार्ट से संबंधित बीमारी है उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कोरोना के चपेट में ये लोग जो आ जाते हैं, चार लोग यहाँ का शुगर, किडनी, कैंसर और हार्ट से संबंधित, उनको ये ज्यादा दिक्कत कर रहा है, उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। आप और बता दें कि हमें कह सकते हैं कि नाक के माध्यम से फंगल पहुंच रहा है, फेफड़े पहुंच रहा है और नाक में जो फंगस की स्थिति है, हम कह सकते हैं कि काला काला परत के रूप में ये नाकों में जम जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि यह हो सकता है कि अगर डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर ने इसको सलाह दिया है कि अगर इससे बचा ना जाए तो क्या नाक के नाक को काटना ही पड़ सकता है और नाक के हड्डी को, आंख की रोशनी भी इससे चली जा सकती है, कारण तक आंख की रोशनी भी इससे चली जा सकती है और हम कह सकते हैं कि हाँ, तो हमें कह सकते हैं कि इससे बचने का उपाय यही है कि सबसे पहले दिक्कत यह है, मैं बताया हूं ये बात कि कोरोना ठीक होने के बाद आदमी की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ जा रहा है, क्योंकि कुछ दवावल हाई डोज की जब हम दवा ले रहे हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम दिक्कत हो रहा है, मतलब काम करना बंद कर रहा है, हमें कह सकते हैं कि कमजोर पड़ जा रहा है। तो आप क्या करें, घर से जब बाहर निकलें तो कुछ दिन कोरोना ठीक होने के 2-3 दिन बाद आराम करें आप, ताकि शरीर में एनर्जी मिल जाए आपको और जो भी ऊर्जाएं मिल जाए आपको, ताकि बाहर से जो भी अन्य बीमारी होने वाला है उससे आपको, उस खतरे से आप बच सके। आपको बता दूं मैं कि इससे बचने का उपाय यही है कि 3-4 दिन अगर जब कोरोना आपको ठीक हो रहा है तो आप क्या करें, घर से बाहर न जाएं और आप क्या करें कि रोजाना 3-4 लीटर पानी पिए आप, शक्कर से परहेज करें, जो मीठा चीज है उससे परहेज करें, मौसमी फल खाएं, इस समय जो भी मौसमी जो फल है उसको खाने का प्रयास करें, सब्जी हरी सब्जियां खाएं, कहा जा सकता है कि दिन में 1-2 बार प्राणायाम करें या हम कह सकते हैं व्यायाम करें, एक्सरसाइज वगैरह करें और योग करें और समय समय पर बीपी और शुगर का जांच करवाते रहें आप, तो इस सब चीज से बचा जा सकता है। और हम कह सकते हैं कि यह जो भी बीमारी है, हमें जो भी बातें जो निकल के आ रहे हैं, जो भी बातें हमने बताई है, भारत में अच्छे से जो भी डॉक्टर हैं सभी लोग यही बात बता रहे हैं और हमने इस पे अध्ययन किया है, इसके बाद हमने सोचा कि हम आप बातें हम आपसे शेयर करें और आपसे बताएं। तो हमें कह सकते हैं कि एक बड़ी बीमारी आई हुई है, क्या काला फंगस या ब्लैक फंगस, जो नाक कान के माध्यम से नाक के माध्यम से हमारे शरीर में क्या लंग्स को प्रभावित कर रहा है या ज्यादा प्रभावित कर रहा है, और मैक्सिमम या उन लोगों को प्रभावित कर रहा है जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जो कोरोना ठीक हुए हैं, अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको उन पे क्या इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने के कारण उसमें अटैक करके और उनको प्रभावित कर रहा है और आप इससे बच सकते हैं, कुछ बातें हमने बताई है और मैं डेली एक वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ और आगे भी मैं कल एक और वीडियो आपके सामने एक नया वीडियो लेके आऊंगा और देखने के लिए आपका धन्यवाद।